पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने शनिवार को विश्रामपुर प्रखंड के गुरहा स्थित कोयल नदी में लगाए जा रहे विद्युत टावर स्थल का निरीक्षण किया। टावर लगाए जाने में आ रही परेशानियों को भी जाना, साथ ही कार्यों में तेजी लाकर शीघ्र ही पूरा कराने का निर्देश निर्माण कार्य करा रही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को दिया। कोयल नदी में 4 विद्युत टावर कुल लगाया जाना है, जिसमें 3 का निर्माण कार्य पूर्ण हो गई है, जबकि 1 टावर का निर्माण कार्य अभी तक अधूरा है, जिसके कारण पलामू के भी मोड़गरी व गढ़वा को नेशनल ग्रिड से नहीं जोड़ा जा सका है। 4th टावर निर्माण में हो रही देरी का कारण कार्यस्थल पर हार्ड रॉक का पाया जाना है। टावर के लिए 11 मीटर गहराई के जगह पर मात्र 5 मीटर रॉक ही काटा जा सका है। इसकी जानकारी लेने सांसद बीडी राम कार्यस्थल पर पहुंचे, जहां निर्माण कार्य करा रही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से विस्तृत जानकारी ली और उन्होंने कार्यों में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। सांसद बीडी राम ने कहा कि नदी में विद्युत टावर निर्माण कार्य पूर्ण होते ही पलामू के भी मोड़ व गढ़वा जिले के भागोड़ी स्थित पावर ग्रिड सब स्टेशन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति होगा और क्षेत्र में व्याप्त विद्युत संकट से निजात मिलेगा। मौके पर भाजपा नेता ईश्वरी पांडेय, विजय कुमार ओझा, अलकनाथ पांडेय, रमेश कुमार, विवेक कुमार शुक्ला, दिनेश शुक्ला, राजेश चंद्रवंशी, पंकज पासवान, ज्वाला गुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।